नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर शुभम मिश्रा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे रूबरू कराएंगे आज की ताजा खबरों के साथ। सपाइयों ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। गोंडा, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी करनैलगंज को दिया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में की जा रही वृद्धि को रोकने, उत्पादन शुल्क तथा वैट को कम कर GST के दायरे में करके डीजल, पेट्रोल व गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि को रोकने सहित कटरा बाजार के ग्राम पंचायत परसा गोंडरी में किसानों के नए दर पर मुआवजे की मांग को लेकर एक वर्ष से धरने पर बैठे लोगों का धरना समाप्त कराने व गन्ने की मूल्य वृद्धि तत्काल सुनिश्चित कराने की मांग की गई। प्रदर्शन का आयोजन विधानसभा कटरा बाजार के पूर्व समाजवादी विधायक बैजनाथ दुबे द्वारा किया गया। उपजिलाधिकारी करनैलगंज ने ज्ञापन को अपने माध्यम से राज्यपाल को भेजने का आश्वासन दिया। विरोध प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष आनंद स्वरूप यादव, पूर्व विधायक रमेश गौतम, महासचिव राजेश दीक्षित, त्रिवेणी मिश्रा, हरिश्याम दुबे, पंकज गोस्वामी, कुलदीप आदर्श श्रीवास्तव रहे। गोंडा से कैमरामैन राम कृपाल शुक्ला के साथ रजनीकांत तिवारी की रिपोर्ट। उस ज्ञापन के मजलूम को सुन लीजिए जो महामहिम राज्यपाल को संबोधित है, जो उप जिलाधिकारी कर्नल के माध्यम से जाना है। प्रतिष्ठा में महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश, विषय डीजल पेट्रोल और गैस के मूल्य वृद्धि। आपको इस ज्ञापन के माध्यम से सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों में निरंतर हो रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण प्रदेश के आवाम, खासकर किसान और गृहिणियों की हालत बहुत ही बदतर होती जा रही है। यहाँ तक कि बढ़ती महंगाई के कारण जनता की कमर टूटी जा रही है, क्योंकि वैश्विक बीमारी COVID-19 के कारण करोड़ों लोगों का रोजगार छीना जा चुका है। मेरे द्वारा समाजवादी पार्टी विधानसभा कटरा बाजार की तरफ से एक बहुसूत्रीय ज्ञापन आपके सेवा में प्रेषित है, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। पहला है, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के निरंतरता को रोकने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क वैट को कम किया जाए, जिससे डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर वृद्धि को रोका जा सके तथा पेट्रोलियम पदार्थों को तत्काल GST के दायरे में लाया जाए। दूसरा है, जनपद गोंडा के विधानसभा क्षेत्र कटरा बाजार के ग्राम सभा परसा गोड़री में एक दर्जन किसान अन्य किसानों के भात नए दर पर मुआवजे की मांग को लेकर धरनारत किसानों को धरना सम्मान समाप्त कराया जाए। तीसरा है, आपको अवगत कराना है कि पेट्रोल डीजल के बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण कृषि लागत बहुत बढ़ गई है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्रदेश सरकार को आदेशित करें कि गन्ने के मूल्य वृद्धि तत्काल सुनिश्चित कराए। साथियों, यह 3 सूत्री मांग पत्र थोड़ा पीछे क्या मामला था पूरा? भाजपा राज में डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 6 साल में 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई। किसान प्रदर्शन चल रहा है, किसान प्रदर्शन को लेकर समाजवादी का क्या विचार है? हम लोग तो समाजवादी पार्टी ही किसानों की पार्टी है, हम लोगों का सहयोग है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान आंदोलन को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया है तो समाजवादी पार्टी। पश्चिम बंगाल में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रही है? हम लोग जो है BJP वाली और ममता जी के TMC पार्टी के साथ। सर, आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में चाचा अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के साथ आ जाना चाहिए? ये चाचा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, उसके साथ मैंने जो है नोटिस दे रखा था। भारत सरकार डीजल और पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि कर रही है और इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है वो जो है $56 प्रति बैरल है, जबकि 2014 में $109 प्रति बैरल था, तब 41-71 रुपया 51 पैसा प्रति लीटर डीजल था। 2020 में $50 प्रति बैरल था, तब 83 रुपया 97 पैसा प्रति लीटर था।
2021 में जो है अभी 56 डॉलर प्रति बैरल है, तो 89 रुपया जो है पेट्रोल का दाम है। तो इसलिए निरंतर दाम बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जीएसटी के दायरे पर, हमारी पार्टी चाहती है कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए और 32 रुपया 98 पैसा जो एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ले रही है उसको कम करें, 19 रुपया 55 पैसा प्रति लीटर उत्तर प्रदेश सरकार बैट ले रही है उसको कम करें। यदि कम करेंगे तो हमें जो है जो नेपाल में 22 रुपया कम पर डीजल और पेट्रोल यहाँ से भेजा जा रहा है, तो कम से कम नेपाली जनता के बराबर तो मेरा सम्मान करें। इसलिए हम जो है ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने आए हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो क्या आप इस पर जो है कम करेंगे? हमारी सरकार आएगी तो बैट जो हमारे अंतर्गत आता है वो जरूर कम करेंगे। अब कम किया है जब गन्ने का दाम जो है बढ़ाया गया और उस पर जो है फैक्ट्री वाले नहीं माने और उनका नुकसान हो रहा था, तब उस समय जो है हमारी सरकार ने जो है पैसा किसानों को अलग से दिया था, तो उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। यदि हमारी सरकार आएगी तो बैट निश्चित रूप से कम होगा। सर, जिस तरह कोविड वैक्सीन शुरू हो चुका है, समाजवादी पार्टी के नेता कब वैक्सीन लगवा रहे हैं? पहले भाजपा वाले लगवाए ले और उनको हम लोग देख लें कि ठीक ठाक है, तब इसके बाद हम लोग लगवाएं। ₹417 था और इस समय जो है ₹830 आज। रामदेव कहते थे कि जो है ₹300 में गैस सिलेंडर लेना है तो भाजपा की सरकार बनवाओ। कांग्रेस की गवर्नमेंट में ₹417 जो है गैस का दाम था, इस समय ₹830 है दूना। तो हम सभी लोग चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि गैस का दाम भी घटाया जाए। तीसरा मामला मुद्दा परसा गौड़ी में जो है एक साल से धरना चल रहा है, आप लोग सभी जानते हैं एक साल से धरना चल रहा है। वो गलत मांग नहीं है उनकी, उनकी मांग है कि जो अन्य किसानों को जितने रेट में दिया जा रहा है मुआवजा, उसी रेट में हमको भी दिया जाए। इसीलिए एक साल से बैठे हैं, लेकिन नहर विभाग फर्जी तरीके से नहर खुदवा करके और वहाँ पर पैसा भुगतान करा लिया है, जबकि मौके पर पेड़ लगा है और नहर खुदी ही नहीं है। तो हमारी मांग है कि जिन लोगों के ने ऐसा काम गलत काम किया उनके खिलाफ FIR हो, उनको जेल भेजा जाए और किसानों को वाजिब मुआवजा दिलाया जाए।